बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मानो और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मानो फूड सीक्रेट्स। आज हम बनाएंगे मैंगो डिलाइट्स। मैंगो डिलाइट्स बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है और ये कैसे बनाई जाती हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 किलो मैंगो लिए थे। मैंगो को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। छोटे क्यूब्स में भी मैंने काटा हुआ है, इससे मैंने गार्निश करना है। बड़े क्यूब्स में जो मैंने काटा है, इसका मैंने पेस्ट बना लेना है। जूसर मशीन वाला जो जग है वो हमने ले लेना है, उसमें हमने मैंगो शामिल कर देने हैं और हमने इसे अब ब्लेंड करना है। ब्लेंड हमने इस तरीके से करना है कि इसका अच्छे से पेस्ट बन जाए। और जो हमने बाउल लिया था, बाउल के अंदर थोड़ा सा हम करेंगे पानी ऐड, इसका एक गाढ़ा सा मोटा सा पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखें जी, ब्लेंड मैंने कर लिया है, आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही अच्छा गाढ़ा सा पेस्ट हमारा बिल्कुल मैंगो का हो गया है जी रेडी। अब हम जो है इसे बाउल में निकाल लेंगे, अच्छे से जो है वो जग को करेंगे साफ। खानों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना, बर्तनों को अच्छे से साफ करना, इससे भी खानों में बरकत होती है। फ्लेम को करेंगे ऑन, चूल्हे पे चढ़ा लेंगे कढ़ाई को, में हम पानी ऐड करेंगे। अब मैंने ऊपर ढक्कन दे दिया है और 5 मिनट हम वेट करेंगे। ओके, यहाँ पे हमने एक छोटी सी कटोरी ली है, इसमें पानी शामिल कर देना है और साथ ही हमने 2 टेबलस्पून सूख मलंगा जो है उसे लेना है। अच्छे से उसे भिगो देना है। जब हमने उसमें शामिल करना है तो स्पून के साथ हमने अच्छे से मैश करना है, यानी अच्छे से भिगो देना है और उसे साइड पे रख देना है। यहाँ पे हमने एक और कटोरी ली है, उसमें हमने थोड़ा सा दूध शामिल किया है। 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर हमने ऐड कर देना है। कस्टर्ड पाउडर आपने मैंगो फ्लेवर में लेना है, जायका बहुत ही अच्छे से बनेगा, जायका भी बहुत परफेक्ट हो जाएगा और कलर जो है वो मैंगो वाला आ जाएगा। तो बहुत ही ज्यादा मजे की हमारी मैंगो डिलाइट जो है वो रेडी हो जाएगी। तो हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि दूध के अंदर अच्छे से कस्टर्ड पाउडर जो है वो मैश हो जाए। जब तक पानी को जोश ना आ जाए तब तक हमने काट लेने हैं जी यहाँ पे एप्पल और बनाना, इन दोनों की हमने कर लेनी है कटिंग। कटिंग करने के बाद हम देखते हैं कि पानी को अच्छे से जोश आना चाहिए। ये नहीं कि पानी अभी थोड़ा सा गर्म हुआ है तो हमने उसमें साबूदाना ऐड कर देना है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करेंगे तो आपकी रेसिपी खराब होगी। मैं बनाना की यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। अब हमने इसमें साबूदाना शामिल कर देना है। साबूदाना हमने जो है वो सारा ही इसमें ऐड कर देना है। आप 1 पाव या आधा पाव, जितना आपको जायका अच्छा लगे साबूदाने का उतना आप कम या ज्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। 2 किलो दूध है और 2 किलो दूध में मैंने बस 1 कप साबूदाना शामिल किया। एप्पल की कर लेते हैं जी कटिंग। एप्पल्स को हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेना है। जब साबूदाना अच्छे से गल जाएगा फिर आपने उतारना है, अदरवाइज आपने नहीं उतारना। अब हम साबूदाने को एक बर्तन में निकाल लेते हैं। आप शीशे वाले बाउल में भी निकाल सकते हैं या किसी प्लास्टिक के या कोई घर में जो स्टील का बर्तन है उसमें भी आप साबूदाने को निकाल सकते हैं। अब मैं साबूदाने को निकाल लूंगी। साबूदाने को निकालने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। कढ़ाई हमने दोबारा चढ़ा ली चूल्हे पे, उसमें हमने दूध शामिल कर दिया। 2 मिनट के लिए हमने अच्छे से उसमें चम्मच चलाया तो 2 मिनट के बाद हमने इसमें 2 कप जो है वो चीनी के शामिल कर देने हैं। फिलहाल मैंने 1.5 कप जो है इसमें चीनी ऐड की है। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं कम या ज्यादा कर सकती हूँ। अगर आपको मीठा पसंद है तो आप 2 कप या उससे भी ज्यादा कर सकते हैं। अभी जो मैंने इसमें चीनी ऐड की है 1.5 कप है, 1/2 कप मैं बाद में इसमें शामिल कर दूंगी। अब हमने इसमें डाल देना है साबूदाना। साबूदाना हो गया बिल्कुल ठंडा, फैन के नीचे मैंने रखा था। ठंडा होने के बाद इसमें मैंने शामिल कर देना है दूध। अच्छे से जब जोश खाएगा तब आपने इसमें साबूदाना शामिल करना है। साबूदाना आपने अपनी मर्जी से इसमें शामिल कर देना है, कम या ज्यादा। जब हमने इसमें साबूदाना शामिल कर देना है तो फिर हमने 5 से 10 मिनट के लिए बड़े अच्छे तरीके से उसे पकाना है। जब हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर शामिल करना है तो आपने अच्छे से पहले मैश कर लेना है। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद 3 मिनट के लिए हमने अच्छे से पकाना है, चम्मच को चलाते रहना है। इसके बाद हमने किशमिश और बादाम है हमारे पास, वो हमने इसमें शामिल कर देने हैं। ग्रैंड कोकोनट को जो है वो हमने इसमें शामिल कर देना है। ओके, तो ये पेस्ट है, मैंगो पेस्ट जो हमने बना के रखा था, इस टाइम पे आगे हमने इसमें शामिल कर देना है। अच्छे से मिक्स करेंगे।
और साथ ही हमने इसमें मैंगो क्यूब वो भी शामिल कर देने हैं, एप्पल के जो हमने क्यूब्स काटे हैं वो भी शामिल कर देने हैं, बनाना के जो क्यूब्स काटे हैं वो भी हमने शामिल कर देने हैं। इस टाइम पे आके मैंने ड्राई फ्रूट भी इसमें शामिल कर दिया और फ्रेश फ्रूट भी शामिल कर दिया। यहाँ पे हमने जो तुख मलंगा लिया है और स्पून के साथ अच्छे से करेंगे मिक्स। अगर ना मिक्स होगा थोड़ा सा इसमें आपने पानी शामिल करना है। पानी शामिल करने के बाद अपने हाथों से अच्छे से उसे कुचल देना है और फिर आपने डाल देना है इसमें। मेरे पास एक मोटी सी लेयर है जिसे मैंने 2 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। स्पून के साथ अच्छे से इसे मैश करेंगे। गुठली से जब अलग हो जाएगा तो फिर हमने इसे छोड़ना है। मैंगो डिलाइट्स बिल्कुल हो गया है जी रेडी। अब हमने इसे करना है डिश आउट। गरी बादाम के साथ हमने करना है इसे गार्निश। कोकोनट को मैं लगा रही हूं ऊपर। ओके, साथ ही हमने बादाम लगा देने हैं। बादाम लगाने के बाद हमने थोड़ा सा इसके ऊपर एप्पल क्यूब्स रखने हैं, बनाना क्यूब्स रखने हैं, मैंगो क्यूब्स रखने हैं। और जो हमने मैंगो पेस्ट बनाया था थोड़ा थोड़ा वो हमने इसके ऊपर रख देना है। फाइनली हमारी मैंगो डिलाइट्स बिल्कुल हो गई है जी रेडी। आप फाइनल लुक इसकी देख सकते हैं। बड़ी मजेदार, डिलीशियस, आसान रेसिपी है। अगर आप बनाएंगे आपको बनाने में भी मजा आएगा, खाने में भी मजा आएगा। घर के सब लोग आपकी तारीफ करेंगे। आपके घर अगर मेहमान आ जाए तो फिरनी, खीर वगैरह ओल्ड फैशन हो गया। आपने मैंगो डिलाइट्स बनाना है और अपने मेहमानों का, घर वालों का आपने दिल जीत लेना है। इजाजत लेने से पहले मेरी आपसे दिली गुजारिश है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, अप्रिशिएट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। आप हमें अप्रिशिएट करेंगे, हमारी हौसला अफजाई होगी और मजीद अच्छा काम करने को हमारा दिल भी करेगा। जल्दी से आपने मेरे सब्सक्राइबर पूरे करवा देने हैं, वॉच टाइम पूरा करवा देना है। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।